स्वागत है आपका पी एल एल न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ शादाब काजमी और मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और नामांकन आज है अखिलेश यादव का, जहाँ अब से कुछ देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे यहाँ नामांकन के लिए अपने। आपको बता दें अखिलेश यादव 10 बजे प्रस्थान करेंगे लखनऊ से वाराणसी के लिए और 10:40 पर पहुंचेंगे वाराणसी एयरपोर्ट और वहां से रवाना होंगे आजमगढ़ के लिए। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे अखिलेश यादव आजमगढ़ पुलिस लाइन में और फिर वहां से पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट और नामांकन करके अखिलेश यादव यहां से बैठौली पहुंचेंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश और उसके बाद वाराणसी से होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, सुरक्षा का इंतजाम आप देख सकते हैं कितनी चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था। हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के महानगर महासचिव वाराणसी जितेंद्र यादव नाम है, इनसे जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अखिलेश यादव के प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में भी जानेंगे और इनसे जानेंगे कि इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है और कितना सक्षम होगा, कितना फायदा होगा इस गठबंधन का देश में बसपा को और समाजवादी को। तो जानते हैं, पहले सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और जी बताइए आखिर इस गठबंधन का कितना फायदा होगा सपा बसपा को उत्तर प्रदेश। देखिए ये गठबंधन जो है दलीय फायदा से ज्यादा मायने रखता है, जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, आज माइनॉरिटी है, आज उनके साथ जो है भेदभाव आज था वो हक उन्होंने नहीं दिला पाया। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का पिछड़ा वर्ग जो है इस बात से रुष्ट है कि मोदी जी के आने से उनको एक उम्मीद था कि देश में जो है पिछड़ों का उत्थान होगा, दलितों का उत्थान होगा, अल्पसंख्यक समाज को भी उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम आपके साथ। लेकिन देश की राजनीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि हर जगह जहाँ देखो मॉब लिंचिंग और मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उभार कर देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में जो है चाहे वो माइनॉरिटी समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज हो या पिछड़ा वर्ग, सभी को इन्हीं मुद्दों में उलझाए रखा। देश का विकास बाधित हुआ, देश का नौजवान बेरोजगार हुआ, देश की खुशहाली नष्ट हो रही है। आज देश जो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सर्वमान्य नेता के तौर पर अपने 5 साल का कार्यकाल जो पूरा किया था उसमें उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए जो भी उनकी योजनाएं थी समाज के सभी वर्गों के लिए थे और कभी उनके मन में कभी उनके मुंह से जो है मंदिर मस्जिद और हमारा तुम्हारा वाला जो है उसमें नहीं आया कि इस देश में जो है जिसको जो है जो वंदे मातरम न कह पाए तो उसके सवाल हो और वंदे मातरम कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आरोपित करना कि ये वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं तो ये सारे इश्यूज जो है सिर्फ जो है नफरत फैलाने का काम करती है और एक आपसी जो है कटुता पैदा करने का काम करती है, जबकि समाजवादी सोच ये है कि सामाजिक सौहार्द हो और सामाजिक एकता समरसता के साथ देश आगे बढ़े और देश को आजाद कराने में हिंदू मुसलमानों का बराबर से योगदान रहा है तो देश के भविष्य को संवारने में भी हिंदू मुसलमान का बराबर से योगदान हो, अगड़ा और पिछड़ा का योगदान हो। अम्बेडकर और लोहिया के सिद्धांत पे चलकर समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलकर समाजवादी पार्टी यहाँ तक पहुंची है और आज देश में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों और उनके सोच एक मिसाल है।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो गठबंधन है यह जमीन पर बहुत मजबूती से जो है देश में एक नया इतिहास बनाने का काम करेगा, उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने का काम करेगा। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक समझ पैदा हुई है कि नहीं, अगर मिलिया का कार्यकाल हो तो कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं और यह पूरा प्रदेश जानता है। तो ये थे जितेंद्र यादव महानगरवासी के वाराणसी समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने बताया इनका कहना है गठबंधन इतिहास रचेगा और भारतीय जनता पार्टी लैंड भी कर चुका है, उतर चुका है। अब से कुछ देर में ही अखिलेश यादव नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं, दिखाएंगे हम आपको और बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे उनसे। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं अखिलेश यादव नामांकन के लिए अंदर जा चुके हैं
बाहर जब निकलेंगे अखिलेश तो बात करने की कोशिश करेंगे हम उनसे, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको पल पल का अपडेट। जोर मत लगाइए, आ जाइए आराम से, आ जाइए। आगे हटो, आगे हटो, भाई नहीं हो पाएगा भैया, अपनी बात रुक जाओ, वही हमें आज जब नॉमिनेशन किया। अरे यार रुको यार, अरे रिपब्लिक कैमरा सही कर लो, हुए हैं आजमगढ़ से विकास कार्य, एक कैमरा नीचे करो यार, का काम करूंगा, और वहीं जो आजमगढ़ को, अरे कैमरा हटा यार, अली के रास्ते पूर्वांचल की जनता को कैसे अब रुक जाओ यार, ले जाएं के लिए रास्ता निकालेंगे। मुझे याद है सरकार का जब आखिरी बजट था तो पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी सड़क समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया था, और विधानसभा के सामने मैंने शिलान्यास किया था, यहाँ पूर्वांचल के सभी नेता कैमरा नीचे करवा के वाले तक आ जाए, और विकास आजमगढ़ और पूर्वांचल के आखिरी कोने तक पहुँचे, देश की सबसे बीजेपी के लोगों ने उसका नाम बदल दिया, बीजेपी के लोगों ने एक्सप्रेस वे भैया आगे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, केवल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कम से कम, अरे मोबाइल क्यों बनने जा रहा है, ये जनता पर तय है, जनता को मतदान करना है, और हमें खुशी है इस बात की कि जनता ने समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के प्रति मन बनाया हुआ है, महागठबंधन है आदरणीय मायावती जी का, समाजवादी पार्टी का, आरएलडी का, ये गठबंधन है, ये पहले चरण से ही गठबंधन में वोटों की बारिश हुई है। हमारे साथ आदरणीय सतीश मिश्रा जी हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, अब चुनाव क्या है, अब ये केवल है कि लोगों को मना लें, अपनी बात समझा दें, लोग बीजेपी के लोग कुछ भी कहेंगे, भाई मेरा भी नहीं आ रहा, बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, हमें उम्मीद है आजमगढ़ की जनता पर, भरोसा है आजमगढ़ की जनता पर कि जो महागठबंधन है साइकिल, अब किसी को उससे शिकायत नहीं होगी, साइकिल से किसी को शिकायत नहीं होगी, दूसरे चरण में भी पहले चरण जैसी जीत होगी। अखिलेश जी सर इधर, सर अखिलेश जी निरहुआ, अरे भाई थोड़ा सा हाथी का तो हमें स्वीकार है, अखिलेश जी अखिलेश जी निरहुआ में क्या कहेंगे, आप उम्मीद कर रहे हैं जीतेंगे, सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन जिसमें सपा बसपा और आरएलडी है, ऐतिहासिक सीटें होंगी। अब तो सर जो गरम मोबाइल है वो भी आपको 70+ सीट दे रहे हैं, क्या कहना है, सर्वे खुल के सर्वे होगा और खुल के लोग बोले, चलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, चलो धन्यवाद 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 धन्यवाद। अरे पीछे हटाओ ना, अरे अब वहाँ हो गया, चलिए चलो गेट पर पहुंचे, सबको अरे गेट पर चलिए ना, गाड़ी छोड़ दीजिए।
नहीं नहीं वहाँ पर ये एक कमांडो इधर रहेंगे, दो कमांडो रहेंगे। चलो चलो हमें भाई आईडी आईडी